इंदिरा गांधी स्टेडियम में डिजिटल प्राणियोर्स के ऑर्गेनाइजर आशुतोष प्रतिहास द्वारा नौजवानों के लिए इवेंट का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से लगभग 12,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। खचाखच भरे हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुष्कर राज ठाकुर, आर्यन त्रिपाठी, अनुभव दुबे, जिसन शेख, अर्जुन देश पांडे, अभिषेक कार एस्ट्रो, अरुण पंडित व अभोग लीला प्रभु इस्कॉन दिल्ली ने युवाओं के सामने अनमोल विचार, सुझाव और अनुभव को शेयर किया। सभी आए अतिथियों ने युवाओं को प्रोत्साहित किया। सभी के विचार सुनकर युवाओं का जोश देखने लायक था। युवाओं ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने चहेते अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पुष्कर राज ने युवाओं को अपने जीवन में तरक्की कैसे करें को लेकर बताया। अनुभव दुबे ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर काबिलियत, जज्बा, हुनर और बोलने की कला है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। युवाओं में जोश भरते नजर आए सभी वक्ताओं की बात सुनकर युवा गदगद दिखाई दिए। पत्रकार के सवाल पूछने पर इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा, इन युवाओं का साथ और जोश देखने लायक है। अगले कार्यक्रम में हमें इससे बड़ी जगह देखनी पड़ेगी। भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि इन युवाओं को सही मार्गदर्शन करें, जिससे युवा अपने अपने फील्ड में बेहतरीन मुकाम हासिल कर सके। आयोजन को लेकर जिस तरह देख रहे हैं हम, जो नौजवान है एकजुट सर, ये सिर्फ नौजवान नहीं है, ये इंडिया का फ्यूचर है और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज। एक्चुअली जो ये इवेंट है, ये अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल है, जिसमें सारी एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया गया है। स्पिरिचुअलिटी से हमने शुरू किया था, इस्कॉन से भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीच प्रस्तुत की गई। उसके बाद फाइनेंस के ऊपर हमने बात करी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करी, और अभी एंटरटेनमेंट सेशन में बस्सी की हमने कॉमेडी देखी और अभी पैराडॉक्स परफॉर्म करने वाला है। सो बहुत ही अमेजिंग इवेंट है अपने आप में। इससे पहले भी कई इवेंट्स होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इस बार इस इवेंट में, क्या अलग है यूथ फेस्टिवल? सर, सबसे बड़ी बात, आप देखिए पब्लिक कितनी है। इतनी पब्लिक सिर्फ इसी स्टेडियम के अंदर आ सकती है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम के अंदर आज हम खड़े हैं, जो इंडोर स्टेडियम है, और स्टेडियम्स अभी तक स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होते थे, आज ये इवेंट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, और वो भी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। ये अपने आप में इस इवेंट को खास बनाता है। सर, यूथ के लिए मैसेज है, बिलीव इन योर ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम्स पूरे होते हैं। आज ये भी एक इवेंट किसी का ड्रीम था और पूरा हो रहा है। अस्तित्व कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब सोचा समझा कंसेप्ट है, क्योंकि भारत को सालों से हम लोग जानते कि भारत सोने की चिड़िया थी। मतलब एक ज़माने में भारत को किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी, अपने में बहुत काबिल था। बट धीरे 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 जैसे हमारे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा बनाया कि हर भारतीय स्लेव ही बन रहा है। लीडर वाली क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कहीं लूप होल है। एक ही चीज़ हर इंसान पढ़ता जा रहा है, तो स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है, और इंसान अपने ऊपर, मतलब अपने दम पे कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाए मार्केट के अंदर, तो बस ये नाम वही था कि अस्तित्व, गेट बैक टू द रूट्स। आप याद करो कि भारत पहले कैसा था, और आज भी अगर भारतीय समझ गया कि उसके अंदर कितनी कैलिबर, कितना पोटेंशियल है, तो वापस से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। आपने जो सेलिब्रिटीज बुलाए, किस पर्पज से बुलाए, क्या उनका बुलाने का? सेलिब्रिटीज़ जितने भी बुलाए गए हैं वो सब अपनी इच्छा से, क्योंकि जब उनको पता लगा कि भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल हो रहा है, तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे उन सब ने योगदान दिया, उन सब ने आना चाहा, और ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ। क्यों 15,000 लोग, इतना बड़ा नंबर कैसे हमने प्लान किया? 15,000 लोग मुझे लगता है कि भारत के हिसाब से बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि भारत में सबसे, दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के पास सबसे बड़ा सुपर पावर यही है कि यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है। तो अगर हमने अपने यूथ को सही तरीके से गाइड कर दिया ना, तो भारत को सच में सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले इवेंट की क्या प्लानिंग आप सोच रहे हैं? कम से कम 1,00,000 लोग, और एक दिन का इवेंट नहीं होगा, वो बहुत सारे मल्टीपल डेज का इवेंट होगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे इवेंट जो भारत में हो रहे हैं, भारत की यूथ में क्या बदलाव ला के देंगे? भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर भारत का यूथ समझदार हो गया तो। और हमारी क्या
स्किल्स जितने भी थे, सबसे पहला स्किल तो होता है कम्युनिकेशन स्किल। आपका प्रोडक्ट सबसे बढ़िया हो सकता है, आपकी कंपनी सबसे बढ़िया हो सकती है, आप जो सर्विस बेच रहे हो वो बहुत बढ़िया हो सकती है, बट अनटिल अनलेस आपको बात करना नहीं आएगा, आपको अपनी चीज़ को प्रदर्शित करना नहीं आएगा, वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। चाहे आप जॉब करो चाहे आप बिजनेस करो, आपको बोलना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है कम्युनिकेशन स्किल, फिर आती है लीडरशिप स्किल। इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ करना, 15,000 की जनता को एक साथ बिठाना और उसमें दिक्कत ना हो, तो इसके लिए लगती है लीडरशिप, ठीक है। और वो अगर हर एक जनता को समझने में आ गई, मतलब यूथ को समझ में आ गई ना, तो भारत का हर एक इंसान लीडर बनेगा, गुलामी नहीं करेगा। भले ही वो कुछ भी करे, वो जॉब करे या बिजनेस करे, एटलीस्ट उसमें लोगों को बांध के और साथ में लेके चलने की कला आ जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स पे हमने आज बात करी। आई डिजिटल प्रिनर के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आई डिजिटल प्रिनर भारत की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक इंडस्ट्री। हेलो, मेरा नाम आर्यन त्रिपाठी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ myza.ai। आज अस्तित्व में हम लोग सब एकत्रित हुए थे, 15,000 से ज़्यादा लोग एक साथ आए, जहाँ पे हमने यूथ स्पिरिचुअली कैसे ग्रो हो सकता है, अपने पूरे जीवन में कैसे ग्रो हो सकता है, क्या मेडिटेशन का रहता है, क्या योगा किस तरीके से हेल्प कर सकता है जीवन में, उसके बारे में बात करी। साथ ही साथ बस्सी जी आए हैं, साथ ही साथ पैराडॉक्स आने वाले हैं। तो बहुत सारा एक यूथ को राइट डायरेक्शन, जो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो चुके हैं, जो ऑलरेडी एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, जो एक अच्छा एज ए क्रिएटर कर रहे हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन सब लोग एक बहुत अच्छा पैनल रखा गया था। स्पिरिचुअली हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, जिसमें पूरा डिस्कशन हुआ। थैंक यू। क्या मैसेज यंगस्टर्स को देना? यंगस्टर, हमारा भारत नेक्स्ट है, जो सबसे आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हम लोग हो चुके हैं। अभी तक चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा था, सेकंड सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी चाइना की थी, बट अब हमारे पास एक सर्विस क्लास का फ़ायदा होने वाला है। हमारे पास पॉपुलेशन, जो हमारी यंग जनरेशन आई है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और नेक्स्ट डिकेड इंडिया का, भारत का। ये एक छोटे से इवेंट्स है जो 15,000 लोगों का है, हम पूरे इंडिया को नहीं कर सकते, बट ये 15,000 लोग जो एक्चुअल वॉइस पहुँचाने वाले हैं, 15,000 लोग ने 5-5 को भी पहुँचाया, तो हम लाखों तक पहुँचने वाले हैं। और इसी तरीके से छोटे छोटे, एक हमारा छोटा सा प्रण था, छोटा सा कदम था आगे बढ़ने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक कदम जरूर फैलाएगा। दस से एकत्रित हुए हैं, सोशल मीडिया की पावर हम देखने की बहुत है। सोशल मीडिया की सब ये ऑडियंस है, जब सब जितने भी इन्फ्लुएंसर आए, सबने अपनी स्टोरी डाली थी, सबने इंस्टाग्राम को कॉन्टैक्ट करा था, इंस्टाग्राम की स्टोरी से देख के पूरा यूथ पूरे इंडिया से यहाँ पे एकत्रित हुआ है।